हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी। वेखते रहो, वेखण वाला चैनल है। तो मैं दीपक शर्मा चनार्थन एक बार फिर लैके हाजिर हाँ थोड़े लिए खबरों की खबर। ये खबरों का थोड़े तक अपड़ियां होनगियां कि लो जी शराब के ठेके देश खुल गए। ये खबरों तो थोड़े तक पहुंचिया होनगियां कि लंबिया कतारां लगियां, लोगों ने पेटियां के डब्बे चुके। तो खबर यह भी पहुंचिया होनगियां कि मजदूरों हुण रेलगड्डिया राही उन्होंने गृह सूबिया तक, उन्होंने जद्दी पस्तैनी घर तक पहुँचाने के प्रबंध हो रहे हैं। रेलगड्डिया चलन लगिया ने, तो कुछ सूबे तो चलन तैयारियां ने। तो इस दरम्यान खबर तो थोड़े तक यह भी पहुंची होएगी कि इस दौरान केंद्र ते कांग्रेस विच तलखी वध गई आ, खिचो तान वध गई आ, मजदूरों नू लैके, किराए की वसूली नू लैके, रेलवे की कारगुजारी नू लैके। पर यह खबर, ये सारे घटनाक्रम यह खबर वल ध्यान दवाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों के लॉकडाउन बदन की तैयारी आ, एक करफ्यू की म्याद बदन की तैयारी आ। बिल्कुल जी, जिहड़ी छूट मिल रही आ, जिहड़ी रियायत मिल रही आ, जिहड़ियां कुछ सुकून अते राहत मिल रही है कि भाई जाओ घरां तों बाजार नूं जाओ, घरां तों दफ्तरां नूं जाओ, सवेरे सैर नूं निकलो, हैं शराब दे ठेके खोल दिओ, हैं बाजार खोल दिओ। ये सारे संकेत की इस गल वल इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के लॉकडाउन की म्याद बधेगी, आने वाले दिनों करफ्यू होर बधेगा, कि यह संकेत है। इस गल वल गौर करने की लोड़ आपां इस नुक्ते ते जेकर गल करिए, तां अज्ज जिवें अचानक केंद्र ने जदों देश दे विच 500 दे करीब मौत अंकड़ा पहुँचा करोना पीड़ितों का, तद लॉकडाउन पूरे मुल्क दे विच होया, पूरे देश दे विच एक तरह नाल बंद होया। ते जदों हुण गिणती 50,000 तक अपड़ गई करोना पीड़ितों की भारत दे विच, तद अचानक छोट दे देना, तद अचानक निजी वाहनों नूं खुल्लेआम आउण दी आग्या दे देना, बाहर दफ्तरां नूं खोलण दी आग्या दे देना, उद्योगां नूं चलण दी आग्या दे देना, ते रेल गड्डियां चला के मजदूरां नूं घरे पहुँचाउण दी कवायद शुरू कर देना। ये सारे घटनाक्रम, तो इस दरमान वो ठेके, शराब दे वो ठेके जिथे पता है भीड़ जुटेगी, जिथे पता है कि शरीरक दूरी का कोई नियम पालन नहीं होना, जिथे पता लोगों ने टुट के पैना, वो शराब के ठेके खोलण की आग्या देना। कि ये सारे इस गल के संकेत ने कि आने वाले दिनों के लॉकडाउन बधेगा, आने वाले दिनों करफ्यू की म्याद होर बधेगी। शराब के ठेके, सरकार ने शराब के ठेके इसलिए खोले कि उन्होंने मालिया इकट्ठा करना सी सूबिया दी सरकारां ने। शराब के ठेके इसलिए खोले कि उन्होंने लगता सी कि हुण असीं तनखाहां देण लई, सरकार के खर्चे चलाउण लई इक इहो सहारा बचिया। कि शराब के ठेके इसलिए खोले कि लोग भाई अपना स्टाक इकट्ठा कर लैण, लोग अपने घरां दे विच दारू इकट्ठी कर लैण, जिहड़े पीण दे आदी ने, जिहड़े पियक्कड़ ने, तां कि उह घरां च अपना समान रख के टिक्के अंदर बैठ जाण। कि इसलिए ये सारियां गल्लां इस गल वल इशारा करदियां ने कि आउण वाले दिनां दे विच केंद्र सरकार सूबिया सरकार मिल के लॉकडाउन से करफ्यू की म्याद होर बढ़ा सकती है। तो ये एक होर नुकता, जिहड़ा सब तो वड्डा नुकता ये जुड़ रहा, वो है जी मजदूरों वाला, कि मजदूरों हुण घरों घरी आपो अपनी गृह सूबिया च, आपो अपने जद्दी पसैनी इलाकों च पहुँचाउण लई सरकार वल्लों कवायद शुरू हुई है। कि यह भी इसे गल वल इशारा कि आने वाले दिनों करफ्यू तो लॉकडाउन की म्याद बढ़न वाली है। बिल्कुल जी, इस गल का स्पष्ट संकेत है, इस गल वल सीधा इशारा है, जिहड़ी गल इह गल पुख्ता करती है कि हुण मजदूरां नूं, लेबर नूं आपो अपने गृह सूबिआं च पहुँचाउण लई सरकार ने ब्यूतबंदी की है। वह केंद्र सरकार जिहड़ी हुण तक इस मजदूरां दी इस मंग वल गौर ही नहीं कर रही सी, देश भर दे विच्चों वक्खो वक्ख सूबिआं दे विच्चों जिस ढंग नाल लेबर क्लास, मजदूर क्लास अपने बच्चिआं नूं, अपने बजुर्गां नूं, औरतां नूं पैदल लैके, गोदी चक के, मोढ़े बिठा के, हैं सैकलों के झोले टंग के, किलो मतलब हजारों किलोमीटर का सफर कर ली पैदल ही तुर पे, सैकलों के निकल पे, उस गल वल सरकार कहण के बावजूद, मीडिया के कहण के बावजूद, सरकारां सूबा सरकारां सूबे दीआं संस्थावां, इत्थों तक कि उस जिहड़े सूबिआं वालों जा रहे थे उस सूबिआं दीआं जथेबंदीआं वालों कहण के बावजूद सरकार गंभीर नहीं सी, खासकर केंद्र सरकार की जेकर आपां गल करिए। कई सूबिआं ने मंग भी की कि मंजूरी दी जाए, आउण दिता जाए, बार्डर से रोके लोग, लाठीचार्ज होया, अथरू गैस के गोले तक छड़े, पर वो मजदूर आपो अपनी घर नहीं जा पा रहे थे। उस समय सरकार इस गल वल गौर नहीं कर रही थी। क्यों इसलिए गौर नहीं कर रही थी? सरकार को लगता सी कि आने वाले समय के जेकर सारा कुछ ठीक हो गया तो सानू उद्योग खोलने पैने ने, सानू फैक्ट्रियां चलाउणियां पैणियां ने, हैं सानू लेबर की बिल्डिंगा बनाउण लई, हैं सानू खेतों के काम करने लई वख-वख सूबिआं च मजदूरों की लेबर की लोड़ पैनी है, तो उन्होंने लगता सी। पर हुण
हुण केंद्र सरकार दा इस गल लई व्यूंतबंदी करना, सूबियां नाल मिल के तालमेल बनाउणा कि रेल गड्डियां चलाओ, रेल गड्डियां च इन्हां नूं अपने अपने घरां तक पहुँचाओ। कि इस गल वल हुण संकेत है कि इस गल नूं सरकार ने समझ लिया, सरकार ने इस गल नूं मन लिया ते सरकार ने इस गल दी की व्यूंतबंदी कर ली है कि हाँ आउण वाले अजे कुछ महीनों तक ना उद्योग चलणगे, ना फैक्ट्रियां दीआं चिमनियां चों धुआं निकलेगा, ना अजे बिल्डिंगां दी कारगुजारी शुरू होएगी, ना पुल बणनगे। सो इस लई लेबर नूं घरां तक पहुँचण लई पहुँचाउण लई सरकार ने आप तैयारी की है, क्योंकि पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दो बार ये गल मीडिया सामने आके सोशल मीडिया राही सामने आके इशारा कर चुके हैं कि स्थिति सितंबर अक्तूबर तक जा सकती है। सो उस गल नूं क्योंकि केंद्र किते इस गल लई कि लोग इक्को टाइम दे विच इन्नी लंबी पाबंदी नूं वेख के उतावले ना हो जाण, बागी ना हो जाण, बाहर आके बगावत ना कर देन, प्रदर्शन ते ना आ जाण, हाहाकार ना मच जावे, कि इस लई इस सारियां जिहड़ियां आपां छूट दी गल कीती, आपां रियायत दी गल कीती, आपां ठेके खोलण दी गल कीती है, दुकानां ते किताबां दीआं दुकानां खोलियां, बच्चियां नूं घरां दी स्टेशनरी दा समान मिल जावे, किताबां मिल जाण अगले वरे दीआं, कि इह सारा कुछ इह छोटे रियायतां इस लई ने कि आने वाले दिनों के अगला लाकडाउन बदन वाला है, अगला करफ्यू बदन वाला है, कि इस गल का इशारा है, क्योंकि लंबे समय तो यह मंग सी मजदूरों की, जथेबंदियों की, सरकारों की, पर सरकार केंद्र सरकार रता भी गौर नहीं करी सी। हुण रेलवे विभाग सामने आया, गड्डियां की तैयारी हो गई, पर पलायन पंजाब तो भी वड्डे पद्धर ते हो रहा। इस गल ते भी गौर करना बनता कि पंजाब तो मजदूर का पलायन करना पंजाब लई वड्डी चिंता की गल है। सो उस गल ते भी आपां पंजाब सूबे दे हवाले नाल, अपने सूबे दे हवाले नाल भी जेकर मजदूरां दी ताज़ा स्थिति नज़रसानी करिए तां चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है। जित्थों तक लेबर नाल संबंधित पंजाब दा मामला, तां इस समय सारियां सूबियां ने आपो अपने एक वैब पोर्टल जारी कीतियां, वैबसाइट जारी कीतियां, ऐप जारी किए कि इन्हां दे उत्ते उह लेबर जिहड़ी जिहड़े जिहड़े सूबे नूं जाणा चाहुंदी है आपो अपने गृह सूबे दे हवाले नाल रजिस्ट्रेशन करावे, तां कि उन्हां दी गिणती दा अंदाजा हो सके, तां कि उन्हां नूं अपने अपने गृह सूबियां च भेजण दा सरकार प्रबंध कर सके, केंद्र नाल रेलवे नाल तालमेल बिठा सके। तां जेकर आपां इस हवाले नाल पंजाब दा देखणा होवे तां पंजाब दे विच करीब 9 लख लेबर क्लास 9 लख मजदूर अपनी रजिस्ट्रेशन करा चुके ने आपो अपने गृह सूबे नूं जाण लई, 9 लख दे करीब। जेकर मैं सोमवार शाम तक के अंकड़ों पर नज़रसानी करा तो उस समय तक पंजाब दे विच 8,26,000 तो वध मजदूर रजिस्ट्रेशन करा चुके सन कि असी आपो अपने गृह सूबे जाना, तो इन्हां च 80 तो 82% मजदूर कल्ले यूपी बिहार दे सन, तो बाकी सूबों की बहुत थोड़ी गिणती है। सब तो वध लेबर यूपी बिहार तो पंजाब च आके काम करती है, चाहे वह फैक्ट्रियां है, चाहे वह बड़े उद्योगिक घरानिया है, चाहे वह खेतों के विच है, चाहे वह सांझी सीरी के रूप है, चाहे वह मंडिया है, चाहे वह चलते कामों के सीजन के दौरान, चाहे वह कणक की वाढ़ी हो, चाहे वह जीरी की बिजाई हो, इस तरह जी लेबर काम करती है वह सारी लेबर, तो जी पक्की लेबर वह सारी हुण पंजाब तो वापस पलायन, जिवें देश भर चो पलायन हो रहा उस तरह पंजाब चो भी, तो एक दिन के दौरान जिहड़ा अंकड़ा सामने आ रहा 9 लख के करीब पंजाब तो लेबर ने रजिस्ट्रेशन कराई कि असी आपो अपने गृह सूबे जाना, जिन्हां चो 80 तो 82% मजदूर कल्ले यूपी बिहार में जाने वाले ने, ते तो सब तो वध रजिस्ट्रेशन लुधियाना जिले चो निकल के आ रही है, लुधियाना चो ही 5 लख के करीब मजदूरां ने रजिस्ट्रेशन कराई है कि असी अपने घरां नूं परतना है। हुण जिहड़ी चिंता वाली गल आ, वो इस गल चो चिंता जनपदी आ कि एक पासे पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गृहमंत्री नूं लिख रहे हैं, गृहमंत्री नूं अपील कर रहे हैं कि असीं हुण उद्योग खोलना चाहुंदे आ, होर सूबियां जिथे छूट मिली आ उत्थे छोटे छोटे उद्योग दफ्तर खोलण की तैयारी हो रही है, इत्थों तक कि पुलों के निर्माण के काम दी योजना बन रही, पर लेबर नूं हुण घरों घरी पहुँचाया जा रहा। यह वो रजिस्ट्रेशन का अंकड़ा है जिहड़ा सरकारी तौर पर सामने आया, पर इह तों पहलां जब तो लाकडाउन शुरू होया, जब तो करफ्यू शुरू होया, तद तो देश भर च अपने अपने सूबों चो निकल के अपने अपने गृह सूबों वालों जिथे काम करती सी लेबर उत्थों निकल के जो पैदल पलायन शुरू होया, पैदल तुरया कोई, कोई साइकलों पर तुरया, कोई रेहड़ियों पर तुरया, कोई मोटरसाइकलों पर स्कूटरों पर तुरया, तो उस पलायन का कोई हिसाब नहीं है, उस पलायन की किन्नी गिणती पंजाब चो निकल गई वह हिसाब नहीं है। ये ताज़ा गिणती है जी 9 लख के करीब हूँ रजिस्टर होए ने। सो इस हिसाब नाल समझ आउंदा कि एक पासे मंग कीती जा रही है कि असीं उद्योग चलाउणे ने, ते जे उद्योग चलाउणे आ ते पंजाब दे विच हुण जीरी बीजनी है, जीरी दी लवाई शुरू होनी है, तां उहदे लई किते ना किते लेबर दी लोड़ है, पर लेबर
वापस जा रही है। तो जेकर आप इस अंकड़िया वेखना हो जिमें मैं लुधियाना की गल की कि 5 लाख के करीब सब तो वध इत्थों दी लेबर ने रजिस्टर कराया। उस तो बाद जलंधर की वारी आउंदी आ जिथे 1 लाख के करीब लेबर रजिस्टर करा चुकी है वापस जाने लई। इस तरह अमृतसर के 50,000 के करीब है, मोहाली के 70,000 के करीब लेबर अपने रजिस्टर करा चुकी है, तो पूरे सूबे 9 लाख के करीब लोगों ने रजिस्टर कराया कि असं अपने गृह सूबे में जाना। तो इसलिए इतों कहानी समझ आती है कि जेकर केंद्र हुण इन्हां नूं वापस जाण लई व्यूंतबंदी कर रही है, केंद्र इस गल वल गौर कर रही है कि आपां इन्हां नूं घरां घरीं पहुँचाउणा है, तो इस विच ओह लेबर शामिल है। इसलिए चिंता ये ओह लेबर भी इहदे शामिल है जिहड़ी इत्थे पीढ़ी दर पीढ़ी रह रही है, जिन्होंने इत्थे अपने पक्के घर बना ले ने, जिन्होंने इत्थे अपने जवाक पढ़ा रहे, जिन्हां दे टब्बर रह रहे ने, जिन्हां दे राशन कार्ड इत्थे दे ने, जिन्हां दे वोटर कार्ड इत्थे दे ने, जिन्हां दे आधार कार्ड इत्थे दे ने, ओह भी अपने घर पक्के घर छड्ड के आपो अपने गृह सूबे नूं परतना चाहुंदे ने। इहदा मतलब सरकार इन्हां लोकां नूं भरोसा नहीं दवा पाई जां दवाउणा नहीं चाहुंदी, क्योंकि उन्हां नूं पता है कि जेकर हुण भरोसा दवाया कि रुक जाओ कुछ दिन ते उह तों बाद चलण वाली स्थिति नहीं हैगी, अजे अजे आर्थिकता नूं गेड़ा नहीं आउणा, अजे उद्योगां दी उह दरवाजे नहीं खुलणे, अजे फैक्ट्रियां दे बूहे नहीं खुलणे। सो इस लई कि इह सारे घटनाक्रम इस गल वल संकेत कर रहे ने कि लाकडाउन भी वधेगा, करफ्यू भी वधेगा, अजे करोना तो छूट नहीं मिली, अजे सानूं सिर्फ लाकडाउन ते करफ्यू तो छूट मिली आ। सो इस गल वल गौर करन दी गल आ, पर मामला तां राजनीतिक भी हो गया, मामला तो इस गल तक भी अपड़ गया कि किवें हुण आपां इस मजदूरां दी आड़ दे विच वोटां पक्कियां करनियां। कांग्रेस कहिंदी साडे सूबिआं वल नूं परतणगे जिथे साडी सरकार है, असीं कोई किराया नहीं लवांगे। केंद्र कहिंदी किराया असीं मंगिआ नहीं, रेलवे हुण सफाईआं ते आ गई, पहलां मजदूरां तों किराया मंग रहे सी। इह सारा मसला ते शराब दा मसला किवें 5 सूबिआं दे विच विक गई 600 करोड़ दी शराब, इस दे उत्ते भी गौर करांगे। पर समां इक ब्रेक दा, हुणे परतों तुसीं वेखदे रहो विजन पंजाब टीवी, बस गए ते आए, तुसीं जुड़े रहो विजन पंजाब टीवी दे नाल। बिजन पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का प्रोग्राम खबरों की खबर चुक तो फिर स्वागत है जी। हुण मजदूरों नूं लैके राजनीति भी वड्डे पद्धर ते शुरू है। पहले इस गल की मंग सी कि इन्हां नूं घरां च पहुँचाया जाए, इन्हां नूं अपने गृह सूबे च पहुँचाया जाए, सरकार इन्हां वल गौर नहीं कर रही। जदों हुण सरकार ने प्रबंध शुरू किया तद उस उत्ते राजनीति शुरू हो गई। पहली तो नलायकी केंद्र सरकार की कि प्रबंध सही नहीं, मजदूरों वल गौर नहीं, बाहरले मुल्कां चों बाहरले सूबिआं चों हैं होर जिहड़ी तादाद पहुँच रखती है सरकार तक, उन्हां दे चाहे वह विद्यार्थी सी, चाहे वह किसी अफसरां दे न्याणे सी, चाहे वह किसी पहुँच वाले दे न्याणे सी, जां वड्डी गिणती च किसी इलाके च कुछ लोग फसे सी, उन्हां नूं तां अपने अपने सूबे आपो अपने घरां नूं लिया के परतदे रहे। पर कई सूबे इस गल लई मजदूरां नूं लिआउण लई तैयार नहीं सी, खासकर नतीश कुमार वर्गियां दी सरकार कहिंदी सानूं नहीं लोड़, साडे सूबे च ना आयो, जिथे है उत्थे ही रहो। पर केंद्र ने भी जिहड़ा फर्ज बणदा सी इस समय केंद्र सरकार दा, उसने भी अपनी भूमिका नहीं निभाई। बहुत देर तो भुखे पाने सड़कां दे उत्ते हैं, बार्डरां दे उत्ते आपो अपने गृह सूबिआं दीआं सरहदां दे उत्ते लाठियां खांदे रहे, डांगा खांदे रहे, गालां खांदे रहे, ते किते ना किते पुलिस दे मोड़ में हमले भी मजदूरां नूं भी कीते, जां इह कहो कि उह भुख दे विच गुस्से दे विच उहनां दा भी गुस्सा फुटिआ, ते मामले झड़प्पां च भी बदलदे रहे, पुलिस वालिआं दे भी नुकसान हुंदा रहा। पर हुण लड़ाई किराए ते आ के शुरू हो गई जनाब। हुण एक पासे केंद्र कहिंदा असीं कोई किराया नहीं लै रहे, रेलवे हुण सफाईआं ते आ गई, ते दूए पासे कांग्रेस कहिंदी हद है जी, 151 करोड़ तां रेलवे दान कर रही है इस करोना की आफत दे लई, प्रधानमंत्री ने राहत कोष बनाया उहदे वास्ते, ते दूए पासे मजदूरां तों किराया मंग रही है, मजदूरां तों किराया वसूल रही है। ते इस दौरान कांग्रेस ने राजनीति का एक अपना पहलू बनाया कि चलो भी आपां मौके का फायदा उठाओ, कहिंदी जिहड़े जिहड़े सूबे च साडी सरकार है उत्थे उत्थे जिहड़े मजदूर परतणगे उन्हां दा किराया साडी सूबा सरकारां देणगीआं। ते जदे केंद्र नूं लग्गिआ कि लै वीए तां कम बिगड़ गया, भारतीय जनता पार्टी लग्गिआ कि साडे हत्थों पैर थलों बटेर ना निकल जावे, उह कहिंदे ना 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 असीं तां किराया मंगिआ ही नहीं, किराया कितें लिया ही नहीं जा रहा, इह कांग्रेस राजनीति कर रही है। ते जदे रेलवे ने अपना बयान पलट लिया, हुण रेलवे कहिंदा जी कोई किराया नहीं लिया जा रहा, 15% हरेक सूबे ने देना, 85% तां केंद्र ने सबसिडी दित्ती है। पर पहलां जदों रेलवे वल्लों इह तैयारी होई, इह व्यूंतबंदी होई लेबर नूं लिजाउण दी, मजदूरां नूं लिजाउण लई, तां उन्होंने बकायदा पहलां आख्या सी रेलवे विभाग ने, भारतीय रेलवे ने,
कि जिन्ने मजदूर जाना चाहणगे जिहड़ी ट्रेन दे विच जिन्ने कुल मुसाफर होणगे ओह मुसाफर जिथे जिथे जाना चाहुंदे ने उस हिसाब नाल टिकटां दा प्रिंट दे के उस रेलवे स्टेशन तो जाण तो पहलां संबंधित अधिकारियों नूं सौंप दिता जाएगा ते उस दा किराए की वसूली करके रेलवे नूं किराया देना उन्हां अधिकारियों का काम होएगा। तो किराया कितों वसूलना सी फिर जदों ये कहता कि किराया वसूल के जमा कराउणा इहदा मतलब इशारा सी कि मजदूरां तों तुसीं इकट्ठा करना ते रेलवे नूं जमा कराउणा। हुण कहिंदे कि नहीं 85% किराए च कहिंदे सबसिडी आ 15% किराया कहिंदे कि सूबिआं ने देणा। सो इस दे उत्ते अजे राजनीति बरकरार आ पर एक नाल एक सवाल तो खड़ा हो ही गया कि जदों विदेशां तों लिआउण लई सरकारां कहिंदियां ने क्या असीं मुफ्त लैके आवांगे ते जदों अपनी वो लेबर अपनी वो क्लास अपने देश की वह रीढ़ की हड्डी जिन्हां दे सिर ते देश की आर्थिकता चलती होवे जिन्हां सिर ते उद्योग चलते होण जिन्हां दे सिर ते देश का सर्कल घूमता होवे पैसे का चक्कर घूमता होवे मजदूर क्लास की कोई सुनवाई नहीं ते हुण उन्हां नूं घरां नूं पहुँचाउण दे उत्ते भी राजनीति आ पर फिर भी राहत वाली खबर है कि वह घरां नूं परत रहे ने वो अपने जद्दी घरां च परत जाना चाहुंदे ने वो कहिंदे असीं पीख लैण नालों अपने घर च जाके थोड़ा खाना मंजूर है। सो इस दौरान शराब की गल तो करनी बनती है जनाब। शराब की सरकार चलाने लई लाजमी हो गई सी की ठेके खुलना मजबूरी बन गई सी सरकार की। सो इस दे उत्ते थोड़ी जी नज़र सन बिल्कुल जी मालिया इकट्ठा करने जिवें आपां गल कीती जां लगता हुण सूबिआं नूं कि सानू अपने खर्चे कढ़न लई सरकार दे इस दौरान टैक्स पूरी वसूली नहीं हो रही सारिया चीज़ों के जोड़े फंड आने ने जो टैक्स आने ने सरकारों वो नहीं मिल रहा केंद्र तो GST के बकाए नहीं पूरे मिल रहे इसलिए इको एक दो चीज़ा ने एक तेल वाला जोड़ा पेट्रोल डीजल ये चीज़ा ने ये टैक्स का पैसा सीधा आता सूबे को फिर शराब वाला। सो इसलिए छोट का फायदा लेंद शराब के ठेके खुलना सूबे ने सब तो मुनासिब समझा तो पियकड़ा ने उही किया शराबिया ने जिस ढंग लाइना लाइया शराब के ठेकों मूहरे पांच भारत के पांच सूबों च एक दिन च 600 करोड़ के करीब की शराब बिक गई। तो जेकर आप नज़रसानी करिए यूपी सब तो वध 225 करोड़ तो वध यह शाम तक के अंकड़े से हूँ तो वह अंकड़े बढ़ गए होंगे अज अगला दिन शामिल हो गया आप सोमवार तक के अंकड़े के हवाले जेकर गल करिए 225 करोड़ की शराब कल्ले यूपी च बिकी एक दिन के अंदर ही ठेकों तो यह जायज़ है नजायज़ का कोई हिसाब नहीं अजे। इस तरह होर नाल वाले सूबे बाकी सूबे जेकर आप गल करिए राजस्थान के 60 करोड़ है कर्नाटक के 50 करोड़ छत्तीसगढ़ जी 25 करोड़ तो इस तरह एक सूबे 200 करोड़ है साढ़े गवांढ़ी सूबा हिमाचल है जी उत्थे भी 5 करोड़ की शराब 5 घंटे बिक गई। पर अफसोस कैप्टन अमरिंदर सिंह सब तो काले से ठेके खोलण की तो पंजाब की अजे बारी ही नहीं आई पंजाब अज फैसला लूगा हरियाणा ने अजे फैसला लेना पंजाब ते हरियाणा के अज फैसला होना कि सवेर नूं किवें ठेके खोलने ने दिल्ली ने जब देखा कि इन्नियां लंबियां लेना 2-3 किलोमीटर लंबियां लेना पुलिस नूं दूरी बनाउण लई पुलिस नूं कंट्रोल करन लई जाना पिया तो वह कहिंदे भाई लाओ इहदे पर टैक्स फिर हुण दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब के बहाने वड्डा टैक्स लाउण दी कि 70% इहदे पर करोना फीस ला दिओ वह ये लाने की तैयारी कर ली तो कि ये नहीं वसूली हो जाए पहले दिन हम हिसाब लाने होने कि जो पहले दिन लाने तो इन्ना वसूल लेना सी। सो शराब के राही हूँ सूबा सरकार अपना काम धंधा चलाना चाहुंदियां ने तनखाह पत्ते सारा कुछ चलाना चाहुंदियां ने पर इस शराब की बिक्री के दौरान इस शराब के ठेके खुलण के दौरान एक राहत वाली खबर पूरे मुल्क चो जी आ रही है जाते जाते आप जरूर साझी कर लीए कि बड़ी गिनती च मरीज सेहतजाब होने लगे ने जिमें आप गल की है कि भारत के करोना पीड़ित का अंकड़ा 50,000 वालों बद गया 50,000 छून जा रहा है तो इस दौरान 27% मरीज साढ़े सेहतजाब हो गए हैं करोना पीड़ित मरीज खासकर एक दिन के सब तो बड़ा अंकड़ा 1,000 तो वध मरीज सेहतजाब होकर आपो अपने घरे गए हैं ये बड़ी राहत सुकून वाली खबर है कि बड़ी गिनती लोग सेहतजाब होने लगे हैं जिवें मैं गल की कि कुल 27% मरीज साढ़े मुल्क सेहतजाब हो चुके हैं तो इको दिन के 1,074 तो वध मरीज सेहतजाब होकर घरे परते हैं। सो आस भी कायम है उम्मीद भी कायम है तो साडा जोश तो जज्बा भी कायम है फिर परतेंगे खबरों की खबर नवी खबरों की करा फरोला फराली वेखते रहो विजन पंजाब TV हर कदम तो हटे नाल।